आज हम बनाएंगे जाड़े का सबसे हेल्दी नाश्ता और खाने में इतना ज्यादा टेस्टी कि आप इसे हफ्ते में एक से दो बार जरूर बनाएंगे खाने के बाद। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप अरहर की दाल और 1 कप मूंग की दाल। दोनों दाल मिला के जब ये इसे इस रेसिपी को हम बनाएंगे ना तो ये टेस्टी बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसे अच्छे से धो के साफ कर लेना है और कुकर में डाल के 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेना है। तो हमने इसे दाल को डाल दिया और पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, कम या ज़्यादा। बाद में भी इसमें हम पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक। ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, 2 से 3 सीटी आने तक ही हमें इसे पकाएंगे ताकि दाल जो है थोड़ा सा साबुत ही रह जाए और अच्छे से पक भी जाए। जब तक हमारा दाल पक रहा है हम यहाँ पे ना आटे की तैयारी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आटा ज्यादा ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे 2 कप देसी घी। इससे क्या है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो जब भी आप आटा लगा रहे हो ना उसमें देसी घी डाल के जरूर लगाइए ताकि इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा आ जाए। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने एक बढ़िया सा डो रेडी कर लिया है। इसे साइड कर लेते हैं। एक पैन में लेना है घी या तेल, आप जो चाहे ले सकते हैं। इस घी में बनाइएगा, ज़्यादा टेस्टी होगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला जीरा, 1 दालचीनी, 1 लौंग, गोल मिर्च और ढेर सारी कटी हुई लहसुन को इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा लहसुन का कलर जब चेंज हो जाए ना तो फिर इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप जितना तीखा खाते हो वो उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च ली है। अब थोड़ा सा इसे भून लिया है, अब इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के प्याज को ना बारीक काट के लिया है। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा पकाना है ताकि इसमें ना प्याज का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आए। तो इसलिए इसे बहुत ज्यादा देर पका के एकदम लाल नहीं करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का सा भून चुका है, इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे 2 टमाटर लिया है मैंने। थोड़ी देर टमाटर को प्याज के साथ पकाएंगे ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए टमाटर। दाल हमारा ऑलरेडी पका हुआ है तो हम ज्यादा देर दाल को पकाएंगे नहीं। तो यहाँ पे टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें जो हमारा पका हुआ दाल है वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो आप जितना देर पकाना चाहते हैं, जितना भी आप इसके अंदर जो है पिट्ठी डालते हैं उसी हिसाब से आप इसमें डालिए पानी। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। जो आटा हमने रेडी करके रखी थी ना उसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ली, मतलब बड़े सी रोटी बनाई और इसे कट कर लिया एकदम छोटी छोटी सी बराबर पूड़ियाँ। और कुछ इस तरीके से हम पिट्ठी बनाएंगे तो ये जो है ना बहुत खाने में टेस्टी होता है। और इस तरीके से ना सारे दाल जो है इसके अंदर घुस जाएंगे। तो इसी तरीके से आप फूल जैसा इसे बनाइए, छोटी छोटी सी पूड़ियों को अच्छे से हाथों से दबा के इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। और इसके अंदर ना दाल बहुत अच्छे से जाता है ना तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और क्योंकि मोयन डाल के हमने इसे आटे को लगाया था तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे दाल के अंदर जाने के बाद। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे पकाया है 6 से 7 मिनट मीडियम टू लो हीट पे। ये बहुत अच्छे से पक चुका है और ये बहुत टेस्टी रेसिपी बन के हो चुका है रेडी। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कलछी में लिया है देसी घी। इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा हींग और 1 लाल मिर्च। इसमें ना जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना वो डाल देने से ना जो तड़का लगाएंगे ना उसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो ऊपर से ये तड़का लगाएंगे और ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल दिया और ये बहुत ही टेस्टी बन के हो चुका है रेडी। इसे खाने के बाद सच में हर कोई ना ये बोलता है ना कि मतलब सच में ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। साथ में दाल और गेहूं के आटे से बनाया है तो बहुत हेल्दी भी होता है। इसे आप आम के अचार के साथ या आम की चटनी होती है ना उसके साथ खा के देखिए, काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और सबको पसंद आता है। जितने लोगों ने इसे पहली बार ट्राई किया ना सारे लोगों को ये बहुत पसंद आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।